हमारे भारत देश पे मुगलों ने राज किया, अंग्रेजों ने राज किया, और जो हमारा भारत देश है, यहाँ की जो कलाकृति है, यहाँ की जो संस्कृति है, यहाँ के जो ये आप पत्थर देख रहे हैं जो टूटे हुए हैं, जिनको मुगल आक्रांताओं ने तोड़ दिया, ध्वस्त कर दिया, आपको मैं यहाँ से दिखाने वाला हूँ ये बहुत ही खूबसूरत नजारा। शुभम, और आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल शुक्ला जी में। इस वक्त मैं हूँ वारंगल शहर, जो हैदराबाद से लगभग 200 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, और हमारे साथ है हमारे मित्र हर्षा, हाय एवरीवन, अमलेश, हाय, और जय राणा, हेलो। कैमरामैन का नाम है अखिल। भारत देश पर कई आक्रांताओं ने आक्रमण किया, शासन किया, और उन्होंने हमारे भारत की कलाकृति को ध्वस्त किया। कहीं ना कहीं हम उससे बहुत ज्यादा रूबरू नहीं हो पाए। हमने हैदराबाद में जो चार मीनार है उसके विषय में पढ़ा, हमने ताजमहल के विषय में पढ़ा, हमने कुतुब मीनार के विषय में पढ़ा, हमने शायद इतने बड़े साम्राज्य जो 11वीं शताब्दी का काकाटिया डायनास्टी का है उसको नहीं पढ़ा। आज मैं यहाँ पर हूँ, आपको दिखाने वाला हूँ काकातिया डायनेस्टी का ये बृहदतम साम्राज्य। सर देख लीजिए, यहाँ पे इतना बड़ा पत्थर है, ये ना इतना मजबूत है, इतना बड़ा स्तंभ है ये देखने में बहुत ही छोटा सा है, अगर आप इसको ऐसे देखेंगे बहुत छोटा सा है, लेकिन इसको आप अगर हिलाने की बात करेंगे तो आप हिल जाएंगे लेकिन इसको हिला नहीं पाएंगे। ये इसमें एक एक छोटी छोटी चीजों को बहुत ही बारीकी से किया गया है, और उस जमाने में कोई कंप्यूटराइज कुछ नहीं था, और उसके बाद भी ये जो सारा जो परत है, एक लेयर बाय लेयर एक दूसरे के ऊपर, अगर यहाँ पे आप देखेंगे थोड़ा सा गैप है, तो दैट मीन्स एक लेयर के ऊपर एक लेयर, इसके बीच में कोई सीमेंट वगैरह नहीं फुलफिल किया गया है। कि जो भी संरचना यहाँ पे हुई है, बड़े बड़े इमारतें, बड़े बड़े यहाँ पे चीजों का बनाया गया है, उसको विदाउट एनी सीमेंट का बनाया गया है। तो यहाँ पे एक होल दिख रहा होगा, तो ये कॉन्सेप्ट को बोलते हैं फिट एंड लॉक कॉन्सेप्ट। ये पहला होल यहाँ है, और दूसरा होल के साथ ही आपको एक चीज का ये जो इस ये वाला उस होल में जाता है, दैट मींस वो लॉक हो गया, ठीक है। तो इसी कॉन्सेप्ट पे पूरा संरचना हुआ है, जो कि बड़े बड़े इमारत, बड़े बड़े बिल्डिंग यहाँ पे मतलब खड़े किए गए हैं। उनकी जो धार्मिक आस्था थी वो इतनी गहरी थी कि वो अपने महल में इस तरह के शिवलिंग बना करके रखते थे और यहाँ पूजा अर्चना करते थे। गोलकुंडा फोर्ट देखा है, गोलकुंडा फोर्ट के विषय में बहुत कुछ सुना होगा। मैं अभी ये जो खंडहर स्वरूप एक भव्य महल हुआ करता था एक जमाने में, वह दिखा रहा हूँ जो आपको, मतलब उस वक्त 13वीं शताब्दी के वक्त जो कारीगर होते थे, जो उस वक्त इंजीनियर होते थे, वो इंजीनियर सीमेंट का इस्तेमाल नहीं करते थे, पर अब जब इस वक्त हमारे इंजीनियर्स को इसको पुनः स्थापित करना पड़ा, इसको दर्शाने के लिए कि यह दिखता कैसा था, तो इन्हें सीमेंट यहाँ पर लगाना पड़ा, ताकि सीमेंट लगा करके ये स्ट्रक्चर एक दूसरे से लग करके स्टैंड हो सके। पर अगर आप ये सामने जो भी पिलर है देखेंगे, एक भी पिलर में आपको सीमेंट नहीं दिखेगा, सब कुछ एक लॉक कंट्रोल कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, जिसमें होता ये था कि एक पिलर दूसरे पिलर के ऊपर में इस स्ट्रक्चर से होता था, वो बैठ जाता था और वो लॉक होकर के टाइट हो जाता था, तो उसके गिरने का और ढहने का कोई चांस नहीं बनता। ये नृत्य करते हुए ये बालाएं दिखाई देंगी, हालांकि ये सब कुछ ऑलमोस्ट अभी टूट सा गया है। आप और भी नज़दीक जाएंगे, ये देखिए इतनी बारीकी से ये जो संरचना रखी हुई है, इस पे भी फूल पत्तियों को दर्शाने की एक कोशिश दिखाई गई है। मैं तो कहूँगा ये कोशिश नहीं है, यह बहुत ही खूबसूरती से दिखाया गया है। हो सकता है इतना समय बीतने के बाद ये घिस गया है और थोड़ा फेड हो गया है।
एक सिंगल स्टोन में कार्व करके उसको तैयार किया गया है। और जैसा हमने कहा था ना कि उस वक्त के समय भी राजाओं की धार्मिक आस्था इतनी गहरी होती थी, वो अपने महलों में शिवालय बनवाते थे और किसी भी शिव मंदिर के सामने आपको नंदी महाराज की प्रतिमा जरूर देखने को मिलेगी। ठीक हमारे सामने वहाँ शिवालय है और यहाँ पर ये नंदी महाराज की प्रतिमा है, इसे कहते हैं पिलर मंडपम। और इसका जो कॉन्सेप्ट होता है कि चार पिलर हैं, चारों पिलर की जो दूरी होती है वह बिल्कुल समान सिमेट्री में होती है। पत्थर के अवशेष देख रहे होंगे जो अभी भी आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के थ्रू इनका संरचना किया जाना बाकी है। ग्यारहवीं शताब्दी से लेकर के 13वीं शताब्दी तक अकातिया डायनेस्टी ने रूल किया इस पूरे क्षेत्र पर। अकातिया वंश के राजा बैठते थे इस महल पे प्रजा को फैसला सुनाने के लिए। उस वक्त भी अदालत लगती थी जैसे आज के समय में अदालत लगती है। फर्क इतना है कि इस वक्त हमारे समय में अदालत लगती है कोर्ट में, और उस समय जो अदालत लगती थी वो राजा के महल में ही लगती थी। हम इस वक्त जिस सिंहासन पर बैठे हुए हैं, काफ़ी बहुत ही बृहद और बड़ा सिंहासन है ये। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो चार कुंड बनाए हुए हैं, इन सब के ध्वस्त होने के बाद वापस भारत सरकार ने इनको उठा करके यहाँ पुनः स्थापित किया है, नीचे सीमेंट लगा करके। तो वास्तविक रूप में ये ऐसा नहीं था, सिंहासन जो है वो दूसरे फ्लोर पर रहा करते थे। अभी क्योंकि ये सब कुछ एक तरह से खंडहर स्वरूप बन चुका है तो यह सिंहासन यहाँ पर बैठाया हुआ है। ये सिंहासन जब आप आएंगे इस वारंगल फोर्ट पर, ठीक सामने शिवालय है और शिवालय के दाहिने तरफ सामने आपको यह सिंहासन मिलेगा। इतनी खूबसूरत शिलाओं को, इमारतों को देखकर आपको यह आभास होगा कि कितना मेहनत और कितनी सोच लगी होगी इन पत्थरों पर, इस कलाकृति को उभारने के पीछे। आपको दिखाएंगे कि ये जो पत्थर है काले रंग के ब्लैक स्टोन, इन काले पत्थरों पर इतनी बारीकी से कलाकृति दर्शाई गई है जिसको थोड़ा तोड़ दिया गया। अगर आप ये देखेंगे, ये देखिए, ये यहाँ आपको एलिफेंट दिख रहा होगा, हाथी है। यहाँ आप देखिए, ये एक शेर है जिस शेर को यहाँ दर्शाया है। फिर यहाँ नृत्यकी है, ये यहाँ पर मयूर है, यहाँ चंद्रमा है ये, और यहाँ पर नृत्यकी ये ढोलक बजाती हुई यहाँ नृत्य करते हुए। तो हमारी जो संरचनाएं हैं उनको बहुत बारीकी से एक एक, ये आप देखिए यहाँ पर एक एक छोटे छोटे ये जो दाने आपको दिख रहे हैं, इनको कितनी खूबसूरती से यहाँ दर्शाने की कोशिश की गई है। पर इतने आक्रांताओं ने हमला किया, यहाँ राज किया, भारत की धरोहर को, यहाँ की संस्कृति को उन्होंने ध्वस्त किया कि अगर आप हैदराबाद आए हैं, वहाँ अगर आप चार मीनार देख रहे हैं तो एक बार यहाँ आइए और ये
पूरी उम्मीद है कि आपको हमारा यह वीडियो भी बिल्कुल पसंद आया होगा। और यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आया है तो हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, वो जो घंटा है बेल आइकन, उसे दबाना ना भूलिए। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।